अमृत योजनेतील अमृत गेले कुठे? पंतप्रधानाच्या आवाज योजनेचा वाजला बोजवारा। भाजपाच्या सत्तेला खरोखरच कंटाळली का जनता? ए बड़े बड़े साफ नहीं कर रहे, जो भी आ रहा बस देख रहा, एडवर्टाइज कर रहा, चले जा रहा, वेल आ रहे तक मेंबर लोगों में अतिशय जास्त समस्यांनी ग्रस्त आहोत। तुम्ही सर्व्हिस लाइन झालेली नाहीये, वेळ पडला तर आम्ही मतदानावर बहिष्कार टाकू। पहा RRC नेटवर्कचा प्रभाग निहाय कार्यक्रम माझे शहर माझा आवाज लवकरच। नमस्कार, RRC न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन चे प्रायोजक आहेत आहुजा ग्लोबल फर्निचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। ब्राउन शुगर मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, लाभार्थी कौन अभी तक तलाशी नहीं। हरित लवाद के आदेश को दरकिनार करते हुए खोले गए सीलबंद मंगल कार्यालय। जमीन आवंटन मामले में अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, पालक मंत्री की चेतावनी। रायखेड़ परिसर में बाघ का डेरा, नागरिक परेशान, वन विभाग सुस्त। और पेट्रोल डीजल दर वृद्धि से आम जनता पर भारी संकट। अब समाचार विस्तार से। ब्राउन शुगर मामले में पहले ही एक आरोपी पकड़ा गया है, अब उसी मामले में दूसरा प्रमुख आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। अकोला शहर में बड़े पैमाने पर अमली पदार्थ विक्री किए जाने के कारण शहर अमली पदार्थ का हब बनता जा रहा है। पुलिस ने ब्राउन शुगर मामले में अकोटफेल पुलिस स्टेशन की हद में एक घर पर छापामार कार्रवाई कर अफजल खान नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के विरोध में नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने मुख्य आरोपी रहीम खान शकुर खान को गिरफ्तार किया। इसे भी अकोटफेल के 1600 प्लॉट से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय ने उसे पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। अकोला शहर के कुछ होटल्स सील बंद कार्रवाई के बावजूद भी खुले हुए हैं। हरित लवाद के आदेशों को दरकिनार करते हुए होटल्स खोले जाने का आरोप लगाया जा रहा है। अकोला शहर के अधिकांश मंगल कार्यालय, लॉन्स में बैंड का आवाज और वाहन पार्किंग की समस्या से परिसर में रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। इसी तरह की परेशानी झेल रहे जठारपेट के हरे रामा हरे कृष्णा सोसाइटी निवासी दीपक रामभाव गावंडे ने इसी तरह की समस्याओं से तंग आकर शिकायत की थी, जिस पर जिला प्रशासन नगर निगम प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। लिहाजा दीपक गावंडे ने राष्ट्रीय हरित लवाद से शिकायत की, जिस पर लवाद के निर्देश जारी हुए और नगर निगम प्रशासन द्वारा ऐसे लॉन्स, होटल और मंगल कार्यालयों को सील लगा दिया गया। लेकिन अब कुछ मंगल कार्यालय लॉन्स ने गैरकानूनी तरीके से सील खोलते हुए व्यवसाय शुरू कर दिया है। इस तरह का आरोप दीपक गावंडे ने लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। महानगर सगळ्याकडे तक्रारी केल्या, त्याचा उपयोग झाला नाही। शेवटी मी राष्ट्रीय हरित लवाद पुण्याला गेलो, तिथं याचिका दाखल केली, त्याच्यावर निर्णय दिला आणि राष्ट्रीय हरित लवादानं 23/7/2020 कलेक्टर, DSP, आयुक्त महानगरपालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि RTO यांना सगळ्यांना आदेश दिले आणि एक मंगल कार्यालय हॉटेल रेस्टॉरंट करता नियमावली बनवून दिली, पण त्याची अंमलबजावणी इथल्या अधिकारी लोकांकडून होत नाही। महामार्ग के लिए जमीन आवंटन में किसानों को उनके हक का मुआवजा नहीं मिला। इस मामले में अब जांच के बाद संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी पालक मंत्री ने दी है। अकोला जिले के पालक मंत्री बच्चू कड़ू की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जिलाधिकारी नीमा अरोरा, निवासी उप जिलाधिकारी संजय खड़से उपस्थित थे। इस बैठक में महामार्ग क्रमांक 6 का विस्तार, जमीन आवंटन, बालापुर तहसील के किसानों की शिकायतें, इस बारे में जायजा लिया गया। बालापुर तहसील में किसानों
को उनकी जमीन का मुआवजा मापदंड के अनुसार नहीं मिला, इस तरह का आरोप किसानों ने लगाया। इस मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसी मांग भी किसानों ने की है। इस मामले की जांच और कार्रवाई के निर्देश पालक मंत्री बच्चू कड़ू ने दिए। तेलारा तहसील के रायखेड़ कोठा परिसर में पट्टेदार बाघ ने डेरा डाल दिया है, जिससे इस परिसर के किसान और नागरिक दहशत में जी रहे हैं। स्थानीय तेलहारा तहसील के रायखेड़ कोठा बेलखेड़ परिसर में पट्टेदार बाघ ने गोवंश की शिकार की है। इस घटना से समूचे तहसील में खलबली मच गई है। रायखेड़ परिसर में किसानों ने बाघ को खुली आंखों से देखा है। वन विभाग के पथक ने पहुंचकर जब जांच पड़ताल की, तब जो पंजे मिले वह बाघों के पैरों के निशान हैं, ऐसा दावा पथक ने किया है, जिससे अब इस परिसर के लोगों में दहशत का माहौल है। विगत 5 दिन से बाघ ने तेलहारा तहसील में डेरा डाला हुआ है, जिससे लोग डर में जीवन जी रहे हैं। वन विभाग बाघ की तलाश में जुट गया है। लोग सावधानी बरते, अकेले खेतों में ना जाए, बाघ दिखते ही तुरंत जानकारी दे, ऐसा आह्वान वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों द्वारा किया गया है। पेट्रोल और डीजल के दामों में रोज वृद्धि हो रही है, जिसके चलते आम जनता में नाराजगी जताई जा रही है। वाहन धारकों ने इस दर वृद्धि को लेकर असंतोष जताया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें रोज बढ़ रही है। ऑयल कंपनियों द्वारा ईंधन में हो रही दर वृद्धि के चलते पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। रोज 35 पैसों से दर वृद्धि हो रही है। शनिवार को पेट्रोल के दाम 112 रुपये और डीजल के दाम 102 रुपये हो गए, जिससे वाहन चालकों पर महंगाई का भार आ गया है। दूसरी ओर अन्य चीजों के दाम भी इस कारण बढ़ रहे हैं। एक ट्रांसपोर्ट संचालक ने बताया कि विगत 4 सालों से ट्रांसपोर्ट का भाड़ा वही है, लेकिन ईंधन खर्चा बढ़ गया है। इससे अब वाहन कर्ज हफ्ते भरना भी मुश्किल हो गया है। इस तरह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। 1200 से 1500 रुपए थे, आज डीजल लगते 2000 से 2200 रुपए थे। तो नजर आम उड़त का ही नहीं ना, 1000 रुपये उठते मग तेजा धंदा करूँ फायदा नहीं ना। आता रिकामी किस्त चालू है, म्हणून आम्ही गाड्या चालू राहिलो। आता गाड़ी उभी राहिली तर किस्त कुठून भराव। सरकार आम जनता को परेशान कर रही है, ऐसा आरोप एक दुपहिया वाहन धारक ने लगाया। अच्छे दिन आ गए, खूब पड़ना पड़ता है, 200 रुपये डीजल भर लो, 200 रुपये नहीं। अलबत्ता पेट्रोल और डीजल के दर वृद्धि के कारण अब जीवनावश्यक चीजों के दामों में भारी वृद्धि होने के संकेत है, जिससे आम जनता का जीना दुश्वार होगा, जिससे सभी ओर असंतोष जताया जा रहा है। पेट्रोल 110 रुपये लीटर हो गया, अपनी गवर्नमेंट है ना बहुत लाचार हो गई, मजबूर हो गई। मेरे हिसाब से 1000 रुपये लीटर पेट्रोल करने को ना उन्होंने, जब अपनी गवर्नमेंट को सुधार आएगा। पेट्रोल के भाव बढ़ने के वजह से हमारे रोज के खर्चे के अंदर, घर खर्चे के अंदर हमारे मानसिक त्रास बहुत ज़्यादा हो गया है। हमारा महीने का बजट बिगड़ गया, हमको ये गाड़ी पे कोई भी काम करने की शक्तिहीन होते जा रहे हैं। पहले कोरोना ने हमको मार दिया, अभी हमको पेट्रोल मार दे रहा है। जाति सत्यापन प्रमाण पत्र देने के लिए लाभार्थी से रिश्वत मांगने वाला संबंधित कर्मचारी एसीबी के जाल में फंस गया है। इस कर्मचारी के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। जिला जाति सत्यापन समिति में संविदा अनुसंधान सहायक पद पर कार्यरत अनिल दयाल को घुसखोरी निवारण विभाग द्वारा जाति सत्यापन कार्यालय में 5000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पातूर के एक शिकायतकर्ता ने जाति सत्यापन प्रमाण पत्र में आई खामियों को सुधारने के लिए रिश्वत की मांग की थी। इस बारे में शिकायतकर्ता ने घुसखोरी निवारण विभाग यानी एसीबी में शिकायत की थी, जिस पर एसीबी के अधिकारियों ने जाल बिछाकर अनिल दयाल को रिश्वत लेते धर दबोचा। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस थाने में अपराध दर्ज कर आगे की जाँच एसीबी द्वारा की जा रही है। हे जे इलसे आहेत, हे मानधन तत्वावर आहेत आणि जात पडताळणी कार्यालयामध्ये यातील जे कंप्लेनंट होते त्यांनी कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट ची मागणी केली असता, किंवा त्याच्यामध्ये त्रुटी न काढण्यासाठी या इलोसेने तक्रारदाराकडे 6000 रुपयाची मागणी केलेली होती। त्याच्याऐवजी तडजोडयंती ही 5000 रुपयाची लाच त्यांनी आज रोजी 15:50 वाजताच्या सुमारास सापळा दरम्यान त्याच्याकडून हस्तगत करण्यात आले आहे। त्यांनी स्वीकारलेली लाच हस्तगत करण्यात आले आहे। आम्ही एक आवाहन करतो की लाचे संबंधी कोणी मागणी करत असेल तर आपण
आमच्याशी प्रत्यक्ष संपर्क करावा किंवा 1064 या नंबरवर आमच्याशी संपर्क करावा. इतर आमचा जो नंबर आहे 420-370 याच्यावर सुद्धा आपण संपर्क करू शकता. लाच देणे आणि घेणे हे दोन्ही गुन्हे आहेत. तसं काही प्रकार आढळल्यास आमच्याशी आपण त्वरित संपर्क करावा ही नम्रतेची विनंती करतो. मांडोल साहब के तस्करी के मामले में फरार हुआ एक आरोपी पकड़ा गया. प्रादेशिक वन विभाग के पथक ने यह कार्रवाई की है. बालापुर स्थित महामार्ग पुलिस थाना के पास 9 सितंबर को अकोला प्रादेशिक वन विभाग की ओर से जाल बिछाकर मांडोल साहब की तस्करी करने वाले को पकड़ा था. तब खामगांव तहसील अंतर्गत आने वाले श्रीधरनगर निवासी अनिल बंडू जाधव को 3.5 किलो के मांडोल साहब के साथ गिरफ्तार किया गया. इस कार्रवाई के दौरान तीन आरोपी घटनास्थल से भाग गए थे. उनमें से एक आरोपी को अकोला प्रादेशिक वन विभाग ने श्रीधरनगर से गिरफ्तार किया. राजू भास्कर मुकाशे इस प्रकार आरोपी का नाम है. मांडोल साहब की तस्करी के दौरान इस्तेमाल किया गया दुपहिया वाहन भी जब्त किया गया. गिरफ्तार किए गए आरोपी को 2 दिन तक PCR भी मिल गया है. मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद मंडल में विस्तारित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन आज उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NSV रमन ने किया. इस समारोह में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू उपस्थित थी. मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद मंडल में विस्तारित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन आज उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NSV रमन ने किया. इस समारोह में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू उपस्थित थे. देश में विभिन्न न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी है, जिस पर उच्चतम न्यायालय के सर न्यायाधीश NV रमन ने जल्द न्यायदान के लिए बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में आपराधिक मामले रोकना आवश्यक है. न्यायालय में न्यायदान की प्रक्रिया तेज गति से हो, इसके लिए आवश्यक सभी प्रकार का सहयोग सरकार करेगी. इस तरह का आश्वासन भी उन्होंने दिया. अकोला सर्वोपचार अस्पताल में अधिकारी कर्मचारी द्वारा सफाई अभियान चलाया गया. इस अभियान में पूरे परिसर की सफाई की गई. पिछले कुछ दिनों से बारिश के कारण रोगों का प्रमाण बढ़ता ही जा रहा था. अकोला वैद्यकीय महाविद्यालय तथा सर्वोपचार अस्पताल परिसर में बड़े प्रमाण में गंदगी का साम्राज्य निर्माण हो गया था. इसे ध्यान में रखते हुए अकोला वैद्यकीय महाविद्यालय तथा सर्वोपचार अस्पताल में प्रशासन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया. इसके अंतर्गत सर्वोपचार अस्पताल परिसर में इकट्ठा गंदगी को साफ किया गया. अनेक जगहों पर गंदगी व कचरे का ढेर जमा था, जिसके कारण रोगी के परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. आखिरकार प्रशासन द्वारा परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया. महावितरण के उपविभाग में बिजली चोरी हो रही है, जिसकी ओर महावितरण का ध्यान ही नहीं है. ग्राहकों में इसको लेकर नाराजगी जताई जा रही है. महावितरण के उपविभाग और बालापुर तहसील में बिजली चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है. इस ओर महावितरण की अनदेखी हो रही है. बालापुर शहर तथा ग्रामीण अंचल में कई जगह लोग बिजली तार को खंभे पर डालकर घर में अवैध तरीके से बिजली आपूर्ति का लाभ ले रहे हैं. इस तरह की बिजली चोरी खुलेआम शुरू है, लेकिन इस मामले की ओर वितरण विभाग का ध्यान ही नहीं है. इस तरह की बिजली चोरी को लेकर बिजली ग्राहकों में असंतोष जताया जा रहा है. महावितरण के आला अधिकारी इस मामले में संज्ञान ले, ऐसी मांग की जा रही है. इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड अर्थात IBPS की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए विज्ञापन निकाला गया है. इसमें देश की 11 सरकारी बैंकों में नौकर भर्ती की जा रही है. नौकर भर्ती को लेकर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड अर्थात IBPS की ओर से हाल ही में एक विज्ञापन जारी किया गया है. देश भर में प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए यह विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें 11 सरकारी बैंकों में नौकर भर्ती की जाएगी. PO 2021 इस नाम से यह नौकर भर्ती है, जिसमें 4,135 जगह पर नौकर भर्ती की जाने वाली है. पदवीधर उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं. ऑनलाइन तरीके से 10 नवंबर तक आवेदन भरे जा सकते हैं. 4 से 11 नवंबर के दौरान प्री क्वालिफाई एग्जाम होगी और जनवरी 2022 में मेंस की एग्जाम होगी. इस एग्जाम के लिए IBPS.in इस वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है. पात्र उम्मीदवार इस भर्ती का लाभ ले, ऐसा आह्वान किया जा रहा है. अब अंत में एक नजर आज के सुर्खियों पर. हेडलाइनचे प्रायोजक आहेत आहुजा ग्लोबल फर्निचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम. ब्राउन शुगर मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार, लाभार्थी कौन अभी तक तलाशी नहीं. हरित लवाद के आदेश को दरकिनार करते हुए खोले गए सीलबंद मंगल कार्यालय.
जमीन आवंटन मामले में अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, पालक मंत्री की चेतावनी। रायखेड़ परिसर में बाघ का डेरा, नागरिक परेशान, वन विभाग सुस्त। और पेट्रोल डीजल दर वृद्धि से आम जनता पर भारी संकट। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।